अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है राहुल और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ। ये तैयारी हो रही है जी वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान की 350 चेस कराना बच्चों की गेम है और कोई आप कह लें कि रविंद्रा जैसे जो है पाकिस्तान को आकर पेल रहे हैं, ऐसे ऐसे लड़के पाकिस्तान को पेल रहे हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि यार ये रविंद्रा जैसे भी आके हमें पेल जाएंगे। जरा बात करेंगे कि क्या किया पाकिस्तान टीम में, ये नंबर वन बॉलिंग को नंबर वन का टैग क्यों लग गया, ये क्या हो गया। अभी दो हफ्ते गुजरे हैं, एशिया कप का तो बड़ा शोर मचाया हुआ था, पाकिस्तानियों ने आसमान सर पे उठाया हुआ था, हमारी नंबर वन बॉलिंग है, हमारी नंबर वन बॉलिंग है, भाई ये हो क्या रहा है नंबर वन बॉलिंग के साथ। डिटेल से बात करते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, ये जो नंबर वन हमने हमेशा लाभ लगाया होता है कि हमारी बॉलिंग नंबर वन है, ये क्या एक बॉलर के ऊपर डिपेंडेंट बॉलिंग थी कि उस एक के जाने से इस बॉल सारी नंबर वन बन के रह गई है। देखिए, हुआ तो यही है कि जब से आप इंडिया से हारे थे वो जो आपका मैच हुआ था कोलंबो में, उसके बाद से कहानियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि आपकी बॉलिंग लग ही नहीं रहा कि आप पाकिस्तान की बॉलिंग है कि युगेंडा की बॉलिंग है कि कोई नमीबिया की बॉलिंग भी इससे बेहतर होगी। कि 350 तो मुझे नहीं लगता कि नमीबिया भी अगर बॉलिंग करेगा तो वो भी 43 ओवरों में चेस करवा देगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि आपके कप्तान बाबर आजम जो चीखे मार मार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते रहे कि ये नंबर वन बॉलिंग है, मेरा स्पिन डिपार्टमेंट दुनिया का एक नंबर है। पहली बात तो यह है कि आज उस जो बॉलिंग नंबर वन बॉलिंग थी आज उसने काला थुपवा दिया। तीसरी बात यह है कि आप जो एशिया कप में आखिरी नंबर पे थे, कुछ तगमा तो नहीं मिला था ना एशिया कप में, या कोई फाइनल भी नहीं जीत कर आए थे। इंडिया फाइनल जीता था एशिया कप का, उसके बाद भी वो एशविन को टीम में लेकर आए कि स्पिन मारा डिपार्टमेंट और मजबूत हो जाएगा। क्या आपने कोई भी तब्दीली की अपने स्क्वाड में? आपने की भी तो जूनियर को रिटेन किया, आपने की भी तो आगा सलमान को रिटेन किया, आपने तब्दीली जरूर की, लेकिन आपने यह किया जमान खान को बाहर कर दिया। अली साहब, आज पाकिस्तान की आवाम में और सोशल मीडिया अगर आप खोल के देखो जरा, तो आवाम का आपको जो गुस्सा है वो आपको नजर आएगा। आप 12 साल के बाद भारतीय सरजमीन में क्रिकेट खेल रहे हो और क्या आपने क्रिकेट खेली है सिवाय कालक थुपवाने के अपने मुंह में? आपकी बॉलिंग ने किया क्या? 12 साल के बाद कोई ओडीआई खेल रहे हो 2011 वर्ल्ड कप के बाद, अब 2023 का वर्ल्ड कप आप वार्म अप मैच आज आपने खेला है अगेंस्ट न्यूजीलैंड और आप अपना हाल देखिए वो आपके सामने है। आपकी परफॉर्मेंसेस, आपकी पथेटिक फॉर्म, आपकी क्लूलेस कप्तानी। भाई अली साहब, अगर इस तरह की पिचेस जो होती है ना, जो थोड़ी फ्लैट विकेट होती है, आप मानो या ना मानो कप्तान बहुत मैटर करता है यहां पे इस तरह की फील्डिंग। अब भाई कप्तान के पास कोई प्लान ही नहीं है। कप्तान का प्लान क्या होते हैं आपके? अच्छा, लोगों के कप्तान जो होते हैं वो फील्ड डिसीजन लेते हैं, बॉलिंग का डिसीजन क्या लेते हैं आपको पता है? आपको कप्तान का डिसीजन लेता है क्या लेता है? वो ये डिसीजन लेता है कि मैं शादाब को बचा लूं, कि वो अगर अभी बॉलिंग नहीं करेगा तो बच जाएगा, अगले बैठे उसे खिला दूंगा। आपका कप्तान अपने दोस्तों को भी बचा के नहीं सकता भाई। लोगों की टीमों के कप्तान अपनी टीम बनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि भाई हम फील्ड में कोई डिसीजन लें। आपके कप्तान के डिसीजन ये होते हैं कि शादाब बॉलिंग नहीं करेगा, खाली बैटिंग करा लो। और भाई आपके कप्तान के डिसीजन ये होते हैं कि आपका कप्तान कहता है मैंने अपने लड़कों पे इन्वेस्ट किया है और ये लड़के मुझे करके देंगे, और आपका कप्तान जो है उसको ये रहता है कि जो आपका शादाब खान है, जो अफगानिस्तान वाली सीरीज थी उसने कहा था, जो हमें उसने अहमियत का एहसास दिलाया था ना, वो अभी तक कंटिन्यू, अभी तक हम जो उस अहमियत के अंदर ही फंसे हुए हैं और अभी तक हम उधर से निकल नहीं पाए हैं। और भाई खुदा का खौफ कीजिए, जो आपके हुक्म के इक्के हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, जमान आपकी टीम में ऐड नहीं है, आप कह लो कि आपके इब्रार आपकी टीम में ऐड नहीं है। आज आप अगर कहते हो कि यार शादाब तो आज ओवर करवाने देना उससे, क्या उसको बॉलिंग नहीं आती है? आज उसे ओवर करवाने थे, आपको लगा कि ये उसको ओवर मारना पड़ जाए तो मैं जस्टिफाई कैसे करूंगा शादाब को वाइस कैप्टन के तौर पर? आपने उसे ओवर ही नहीं करवाए, हद हो गई यार। नाम था रचिन रविंद्रा जी, नाम था रचिन रविंद्रा यार, इसकी तो यंग 23 साल का है वो। 97 रन की पारी खेली, 72 गेंदों पे 16 दुम्बा, एक छक्का दुम्बा। हारिस रऊफ जो हम कहते हैं इस टाइम बेस्ट बॉलर है आपकी टीम में, भाई उसकी दुर्गत नहीं भुर्गत बना के रख दी और दे दना दन तबाह तब करके मारा है हैदराबाद के वेन्यू में, राजीव गांधी स्टेडियम में। शुक्र है क्राउड नहीं था यार, शुक्र है क्राउड नहीं था, क्राउड अलाउ नहीं था। सिक्योरिटी जो थी वहां की, उन्होंने कह दिया था क्राउड अलाउ नहीं करेंगे, क्राउड नहीं अलाउ था, तो भाई शुक्र है क्राउड अलाउ नहीं था, क्योंकि जो न्यूजीलैंड ने हाल किया है आपका बेहतर है कि बंद कमरे में हो गया तो ये हो गया, टीवी में तो हमने देख लिया जो हमने अपनी इज्जत करते हुए देखी। शुक्र है क्राउड नहीं आया, लेकिन अली फैंस इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। यंग मैन ओपनर भी नहीं है भाई, वो तो बॉलर है, 8वें 9वें नंबर का प्लेयर है, वो भी आपके पास बैटिंग कर ही देता है भाई। उसने 97 रन की पारी खेली, अभी 3 रन और बना देता तो सेंचुरी भी बन जाती। क्या डेरिल मिचेल, क्या मार्क चैपमैन, क्या नीशम, एक से बढ़कर एक, सबने आप ऐसा लग रहा था
कि बैती गंगा बह रही है, सबने आप हाथ धोए हैं, सबने धोए हैं बराबर, सबने अपने बैती गंगा में हाथ धोए हैं। एक बैट्समैन ने नहीं छोड़ा, न्यूजीलैंड के दो रिटायर्ड हर्ट थे, एक के विलियमसन भी चले गए, दूसरा भी मिचेल भी चला गया, अगर वो भी खेल लेते तो फिर क्या होता आपका? फिर तो आपको इतनी मार पड़ती कि आप सोचते कि आ मैं काम किया होंगे। मुझे क्या गया? मुझे अली ये बताओ जरा, एक आप मुझे बात का जवाब दें। देखो मुझे पाकिस्तान की टीम की समझ नहीं आ रही कि मेरा मानना ये कि अगर जैसे इंग्लैंड है ना, अगर उनको चलो इंडिया है ना उसकी आपको पता बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, इंग्लैंड है ना उनकी भी बॉलिंग थोड़ी नॉर्मल है, लेकिन वो उनके बैट्समैन उनकी बैटिंग में पूरा पारा करती है। आपके बैट्समैन 300, यार हैदराबाद की विकेट पे कोई 300 कोई बड़ा रन था? इसमें 300 पे ऐसे सेटिस्फाई हो रहे थे। और ये मानते हुए मत भूलिएगा आप एक बात कि बोल्ट ने बॉलिंग नहीं की, ये मत भूलिएगा कि लॉकी फर्गुसन ने बॉलिंग नहीं की, बहुत एंड में आया 2-3 ओवर करने के लिए। मैट हेनरी अगर अपना सेकंड स्पेल करता तो शायद आपके बाबर रिजवान के भी उतने रन ना बनते, ये भी आपको पता है। उसने बस जो 3 ओवर किए थे उसमें अब्दुल्ला और जो इमाम ने बैटिंग की थी ना, वो हमने देख ली थी कितनी बैटिंग की थी। उसके बाद हेनरी भी चला गया, बोल्ट से एक ओवर नहीं करवाया हुआ। ओवर किसने किया था सुन लीजिए कौन था, ग्लेन फिलिप्स दूसरे एंड से बोल कर रहा था नया बॉल, ग्लेन फिलिप्स की ये बॉल उसने कभी भाई करता है कोई ग्लेन फिलिप्स बॉल? कोई नहीं करता ग्लेन फिलिप्स बॉल, वो कर रहा था बॉलिंग। डैरिल मिचेल जो गंजू साहब है उन्होंने, मैं तो जब थोड़ी देर के लिए बाहर आता जाता था, जब देखा था डैरिल मिचेल ही लगा होता था एक एंड से बॉलिंग करने, और उसको मार रहे होते थे ये ढीला ढीला बॉलर, जेमी नीशम, रविंद्रा, भाई ये बॉलिंग लाइनअप थी जिसको आपने 345 रन आपने बड़ा गरूर के तरीके से बनाए, और उसके बाद आपकी जो बॉलिंग थी हारिस रऊफ, शाहिन शाह अफरीदी नहीं खेल रहे थे आपके, उनको नहीं था, लेकिन वो भी अगर होते दो ओवर का नया बॉल वो अच्छा करते, और जो न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडर है वो तो आपको पता है कितना तोड़ते हैं शाहिन को। हारिस रऊफ, हसन अली, नवाज, उसामा मीर, वसीम जूनियर, आपके पास और था क्या ऑप्शन वर्ल्ड कप में इसके अलावा और है क्या भाई? जो था सबको मारा, जो था सबको मारा है और दबा दबा के मारा। हसन अली ने शुरू किया और अच्छे किए, और बाद में हसन अली भी उसी तरह पिटे हैं जिस तरह हसन अली जो है पिटते हुए आते हैं, लोग चीखते रहे हैं, लोग तो पागल हैं, लोगों का दिमाग खराब है, लोग यहां पर कहते हैं इमाद वसीम को लेकर आओ, इमाद वसीम को लेकर आओ, जमान को स्क्वाड के अंदर डालो, इब्रार को स्क्वाड के अंदर डालो, आमिर मना हुआ है आमिर से जाओ, उसको कह दो यार आपको हम स्क्वाड में सिलेक्ट करें, आप अपनी रिटायरमेंट वापस ले लो। ईगोज हैं आपके, उसकी जो है आपका जो कैप्टन है वो कह रहा है मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, ग्राउंड में जवाब दिया सर, और दूसरा मैं पूरा कर दूंगा ग्राउंड। दूसरा सॉरी टू से लेकिन जो आपकी जो अप्रोच है वो आपकी मैच जीतने के लिए नहीं है। आपकी मैंने गोल्स देख लिया, आज रिजवान का ऑलरेडी बल्ला चल रहा था लेकिन आपने सेंचुरी तक रोका, जान की सेंचुरी आपने रोका कि सेंचुरी करो फिर तुम आना, मतलब ये गोल बता रहा है कि जो हम कहते हैं ना, हम ऐसे नहीं बोलते कि रैंकिंग के लिए पीछे भाग, केन विलियमसन नहीं कर सकता सेंचुरी, वो कर सकता था कि उसने नहीं टीम के लिए छोड़ के चला गया, बाकी लड़के भी थे, लेकिन यहाँ पे वार्म अप में भी अपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं कि वार्म अप में भी हमने माइलस्टोन करने, इवन पता नहीं कि रिजवान के रन लगे हुए हैं, रिजवान को रन के अतबार से कोई नहीं छेड़ रहा, रिजवान के रन बने हुए हैं, उसने एशिया कप में जो श्रीलंका वाला मैच था वहां भी रन बनाए थे, बता टीम के काम नहीं आए, लेकिन आज वो रन बनाता है अपनी सेंचुरी की और आराम से सेंचुरी की पूरी सेंचुरी की वो गया, यानी कि आपके पर्सनल गोल अभी भी नजर आ रहे हैं कि भाई किसी तरीके से हमारे अपने गोल अचीव हो जाएं, पूरे होने चाहिए, पर्सनल गोल अचीव होने चाहिए। दूसरी अली साहब अगर आप देखो जिस तरीके से आज ये मैच खेला गया, मुझे आप बताओ ना इंडिया ने कल अश्विन को स्क्वाड में डाला, हम कब सीखेंगे ऐसा ही है। 3 स्पिनर न्यूजीलैंड के पास है, इंडिया के पास प्रॉपर 2 स्पिनर है, एक रविंद्र जडेजा है, आपके पास एक स्पिनर नहीं है, आपके स्पिनर वहां भी फेल हुए थे एशिया कप में, आपके स्पिनर अफगानिस्तान के गेम्स भी फेल हुए थे, आपके स्पिनर लगातार कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी दोस्ती यारी का कल्चर इतना प्रमोट किया कि आप किसी को आने नहीं दे रहे। अब आप देख लो, अब आपकी तैयारी सबके सामने है, न्यूजीलैंड ने आपकी तैयारी को एक्सपोज कर दिया वर्ल्ड के सामने, वर्ल्ड कप के पहले वार्म अप मैच में आप एक्सपोज हो गए। भाई बांग्लादेश आपसे बेहतर खेला है, श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच देखिए, उन्होंने एशिया कप में आपसे वो ऊपर थे, वो थर्ड नंबर पे थे, आप फोर्थ नंबर पे थे, लेकिन बांग्लादेश ने भी क्या सीखा कि महमूदुल्लाह को स्क्वाड में वापस लाओ, वो महमूदुल्लाह को लाए, रतन दास उनके पहले अनफिट थे, हाफ एशिया कप खेले थे, वो फिट होकर आ गए हैं, शैंटू उनकी टीम में आ गए, भाई वो भी आपको पता है इंजर्ड हो गए थे, वो भी बाहर हो गए थे, उनका बांग्लादेश का स्क्वाड आपको बेहतर नजर आ रहा है अगर आप इस टाइम कंपैरिजन करते हो तो? नहीं, बांग्लादेश ने आज अटैकिंग क्रिकेट खेली है, बांग्लादेश ने आज दबा कर जो है वो मारा है। आपके यहाँ पर जो है वो आपका आगा सलमान पता नहीं क्या कर रहा था, आगा सलमान साहब जो है वो एंड में आके इतनी बॉलें कंज्यूम करके एक छक्का मारा आगा सलमान ने भाई सर, लेकिन सब बातों की एक बात है यार कि अगर आपसे 350 भी नहीं डिफेंड हो सकता ना तो फिर सॉरी टू से आपकी टीम बेकार है। हमारे जो ट्विटर के एक्सपर्ट्स है वो तो कहते हैं नंबर वन बॉलिंग, बस वो तो कहते हैं हम एरा में जी रहे हैं, ऐसी ऐसे अटैकिंग ऑप्शंस के एरा में जी रहे हैं। हकीकत पता है आपको क्या है? हकीकत यह है कि आपने 3 बॉलर से ज्यादा चौथे बॉलर को कभी चांस ही नहीं दिया,
मजबूरी पड़ी जब वो आपका एक नसीम इंजर्ड हो, तो आपने कहा है चौथा बॉलर भी हमारे पास है ही नहीं। इंडिया के पास अगर बुमराह सबसे अच्छा कर रहे हैं, उनके पास शमी है, उनके पास प्रसिद्ध कृष्णा भी बैठा हुआ है, और भाई अर्शदीप उन्होंने अपनी एशियन गेम्स में खेलने के लिए भेजा हुआ है, उन्होंने अपने बैकअप तैयार किए हुए। आज अगर बुमराह भी अनफिट होते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो शमी को खिला लेंगे। सिराज अनफिट होगा, शमी उसकी रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा। नीचे प्रसिद्ध कृष्णा है, बेंच पर अगर आप देखेंगे और उनके पास बहुत है, नटराजन है, कृष्णा वगैरह, उन्होंने अपनी बेंच तैयार की है। उनकी बैटिंग में अगर मसला होता, सूर्य कुमार की उनकी 11 में जगह नहीं बनती, ईशान किशन की 11 में जगह नहीं बनती। क्या आपके पास ये जो आपके पास जो बैट्समैन है इनके अलावा कोई ऑप्शन है? आपको तो फखर है उसकी फॉर्म नहीं है। आपके दोनों, आपने फखर को हटाया, अब्दुल्ला और आपके साथ जो है इमाम, इमाम के कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है उनकी? अपने रन बना लिए, डेड मैचेस में जहां 200 का टारगेट होते हैं वहां पे वो बना लेते हैं। आपने ये देख लिया, अब ये बताएं इंडिया में इमाम जैसा प्लेयर चलेगा या रविंद्रा जैसा ओपनर चलेगा? भाई लग तो ये रहा कि रविंद्रा जैसा, लेकिन चलेगा, लेकिन रविंद्रा ओपनर नहीं है। रविंद्रा को तो मैं सॉरी बैट्समैन ही नहीं मानता, लेकिन उस रविंद्रा ने आपके बोलर्स को फेटी लगाई है भाई, फेटी तोड़ा। रमित राजा को मैं सुन रहा था, रमित राजा ने बड़ा हैवी क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान टीम की। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान टीम के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। रमित राजा ने कहा इस टाइम पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप में जो हाल हुआ है, ये पाकिस्तान का एक अलार्मिंग सिचुएशन बन चुका है, क्योंकि अगर आपकी बोलिंग 350 डिफेंड नहीं कर सकती, 350 में अगर आप फारिग हो तो भाई आप छोड़ो, आप फिर आपके लिए वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं है। सही बात। अगर आप न्यूजीलैंड की जो उन्होंने सारे बॉलर अपने बाहर बिठा दिए, अपनी सेकंड टीम खिला रहे हो, भाई हर टीम अपने मेन बॉलर छुपा के रखे हुए हैं। बोल्ट हो गया, लोकी फर्गुसन हो गया, हेनरी बस उन्होंने हल्का हल्का दिखा के छुपा दिया। इंडिया ने कुलदीप को छुपाया हुआ है, अश्विन को लास्ट मैच में नहीं खिलाया। आप क्या कर रहे हो? आपके पास तो छुपाने के लिए कुछ नहीं है भाई, आपके पास तो दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वो लोग छुपा रहे हैं, आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है। रियलिटी तो ये है कि आपके पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। सही कह रहे हैं। जो था वो है, आपके पास यही है आपके पास। अब ये कर दें तो कर दें। और दूसरा एक कप्तानी का भी जो मैटर होता है, जो बाकी आपको कप्तानों में चीज नजर आती है। आज विलियमसन बात कर रहे थे कि भाई मुझे ख्वाब सा लग रहा है कि मैं इस टीम के साथ खेल रहा हूं, क्योंकि 6 महीने पहले मुझे लग रहा था, 5 महीने पहले कि शायद मैं नहीं खेल सकूंगा, लेकिन भाई 6 महीने बाद आगे 50 मार के चला गया और पाकिस्तान के गेंस खेले और 50 मारे हैं। भाई फर्क नजर आ रहा है। रमीज राजा, वसीम अकरम, आपके साबिक क्रिकेटर, आप बड़ा बरहम दिखाई दे रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं कि इस टाइम पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो इस टाइम शदीद प्रेशर में नजर आ रही है, शदीद क्लूलेस नजर आ रही है, और बिल्कुल नजर आ रहा है कि नलायकी में है। तो उम्मीद करते हैं आज आपको आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा।